इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वास्तव में एक ईमेल को कैसे रिकॉल कर सकते हैं जो गलती से हमने पहले ही किसी को भेज दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण ईमेल भेजना चाहते हैं जिसके लिए उसका मतलब था ही नहीं, ऐसा करने से किसी भी व्यवसाय के लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप केवल आउटलुक क्लाइंट में उपलब्ध रिकॉल सुविधा के माध्यम से भेजे गए किसी भी ईमेल को रिकॉल कर सकते हैं, जब तक कि इसे प्राप्तकर्ता के द्वारा नहीं पढ़ा जाए। तो ये जानने के लिए ये कैसे किया जा सकता है, इस वीडियो को देखें। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्लाइंट एप्लीकेशन खोलिए। अब मानिए मुझे मेरे द्वारा भेजे गए इस ईमेल को रिकॉल करना है, तो मैं सबसे पहले न्यू ईमेल आइकन पे क्लिक करूंगी। मैंने इस ईमेल की बॉडी ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे। मान लीजिए मुझे ये ईमेल अंशिता को भेजना है। यहाँ पे मैंने ये अटैचमेंट अटैच कर दी और मैं इस ईमेल को सेंड कर दूंगी। जब मैं अपने सेंड आइटम्स में जाऊंगी, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी मेल पे। आप देख सकते हैं मैंने ये ईमेल एलन को भेजा हुआ है। इस ईमेल को रिकॉल करने के लिए मैं ईमेल एक्शंस पे जाऊंगी और रिकॉल दिस मैसेज पे क्लिक करूंगी। एक रिकॉल दिस मैसेज विंडो मेरे सामने खुल जाएगी। मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस देख सकती हूँ, डिलीट अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेज एंड डिलीट अनरीड कॉपीज एंड रिप्लेस विद द न्यू मैसेज। यहाँ मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इस बॉक्स को चेक करूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिकॉल जो है वो फेल हुआ है कि वो सफल रहा है। मैं उसके बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जैसे ही ईमेल रिकॉल हो जाएगा, आप इस सूचना को देख सकते हैं कि आप इस ईमेल को इस तारीख और इस समय पर रिकॉल करने का प्रयास किया है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये ईमेल सफलतापूर्वक रिकॉल किया गया है या नहीं? इसके लिए आपको एक ईमेल अधिसूचना मिलेगी। जैसे कि मुझे ये मैसेज मेरे इनबॉक्स में मुझे प्राप्त हुआ है कि मेरा ये ईमेल सफलतापूर्वक रिकॉल किया गया है, जो एलन को भेजा गया था, जिसका सब्जेक्ट डेमो पर्पस था, जो इस टाइम और डेट पे सेंड किया गया था। Like this video. For more tips and tricks on Microsoft Office 365, do subscribe our YouTube channel, Fortran Cloud Academy. Thank you.